हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम रोहित और स्वागत है, तो है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में एक ऐसा स्मार्टफोन जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है लॉन्च होने वाला आठ दिसंबर को अंडर सिक्स थाउजेंड है जी हाँ दोस्तों छः हज़ार के अंदर एक स्मार्टफोन आने वाला है अब ये स्मार्टफोन उन लोगों के लिए ठीक है जिनको सिर्फ अपने घर में फैमिली के लिए रखना है फिर ऐसे लोगों जो सिर्फ फोन पे बात करते हैं उनके लिए ठीक ठाक है और गेमिंग वगैरह के लिए छोड़ ही दीजिए इन सब चीज़ों के लिए हालांकि छोटी मोटी एप्लीकेशन व्हाट्सअप फेस वगैरह चल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी तो अंडर छः है कौन सी कंपनी का स्मार्टफोन है कौन सा स्मार्टफोन है और आपको बता दूँ कि इसके टक्कर में एक स्मार्टफोन पहले से अवेलेबल है मार्केट में जिसका नाम है रेडमी ए तो रेडमी ए बेस्ट रहेगा क्योंकि उसका प्राइस आई थिंक पचपन के स पास है और ये वाला अंडर सिक्स थाउजेंड आने वाला है अंडर सिक्स थाउजेंड है इसका मतलब ये नहीं पता कि कितने में आएगा लेकिन छह हजार के अंदर ही आएगा या फिर पांच हजार नौ सौ निन्यान रुपए का भी आ सकता है ये जो स्मार्टफोन है इसका नाम है इनफिनिक्स एट एच डीस कंपनी का ये स्मार्टफोन है और इसके बारे में आगे, आगे आपको डिटेल में बताऊंगा क्या क्या स्पेसिफिकेशन आ सकती है जो लीक्स और सब चीज के अंदर आई है ये स्मार्टफोन एक्सक्लूसिव मिलने वाला तो एक्सक्लूसिव ये कौन से स्टोर पे मिलेगा उसके बारे में भी बात करेंगे और क्या ये रेडमी ए टू से बेटर है और या फिर रेडमी एट टू जो पचपन का आप उसको बाय कर सकते हैं बात इन सभी टॉपिक्स आप लोग रिक्वेस्ट है वीडियो उसकी मत कीजिएगा इन्फिनिक्स का ये स्मार्टफोन इफिनिक्स स्मार्ट एट एच डी लॉन्च होने वाला आठ दिसंबर को ठीक है आठ दिसंबर को इसकी लॉन्चिंग होगी और ये एक्सक्लूसिव मिलेगा फ्लिपकार्ट जी हाँ दोस्तों फ्लिपकार्ट ये मिलने वाला आपको बाकी अभी तो कहीं पे नहीं मिलेगा एक्सक्लूसिव फ्लिपकार्ट इसको खरीदने के लिए बेचने के लिए रखा गया है अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशनस के बारे में और लास्ट में फिर बात करेंगे कि क्या रेडमी एट बेटर है या फिर ये वाला जो अंडर सिक्स आएगा ये वाला बेटर है यहाँ पे आपको पहले एक बात कन्फर्म कर दूँ कि ये सभी जो स्पेसिफिकेशनस हैं वो लीक्स हैं यानी कि एक्सपेक्टेड बताई जा रही है कन्फर्म नहीं है कि यही आएंगी लेकिन मैक्सीम चांस मैंने केसेस में ये देखा है कि जो जो कि होने वाली है। का रेट और पांच सौ देखने के लिए मिल जाएगी पंच होल डिस्प्ले मिलेगी सेंटर में अब यहाँ पे आपको सब चीज तो नॉर्मल सी लगी होंगी लेकिन एक चीज सबसे बेस्ट दी गई जो की क्या है वो है नाइनटी हर्ट्स का रिफ्रेश रेट मतलब अंडर सिक्स थाउजेंड नाइन हर्ट्स का रिफ्रेश रेट अगर आप दस हजार का स्मार्टफोन लेंगे तो शायद उसमें भी आपको ना मिले हालांकि अब तो कंपनी दे रही है लेकिन शायद मैं फ्री भी कह रहा हूँ हो सकता है ना मिले लेकिन अंडर सिक्स थाउजेंड आपको दिया जा रहा है नाइनटीस का रिफ्रेश रेट जो कि बड़ी अच्छी बात है मतलब क्लैपिंग वाला काम किया इनफिनिक्स ने यहाँ पे हालांकि जो ब्राइटनेस है फाइव हंड्रेड नीट्स की वो इतनी ज्यादा नहीं है आप अगर आ, इसको सनलाइट में लेके जाएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है देखने में लेकिन फिर भी ओवरऑल जिस हिसाब से प्राइस है ये बेस्ट है अब बात करते हैं प्रोसेसर की इसमें आपको यूनिसो का टी सिक्स जीरो सिक्स प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा और रैम इसके अंदर आपको तीन जी बी तक मिलने वाली है मतलब तीन जी बी का वेरेंट होगा बाकी और वेरियंट हो तो पता नहीं लेकिन बताया जा रहा है तीन जी वाला इसका वेरेंट हो सकता है और बात करें अगर स्टोरेज की तो यू एफ एस टू पॉइंट टू को इसमें सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा अब बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की तो इसमें आपको एक्सओ एस थर्टीन बेस मिलेगा एंड्रॉड थेहराहर जो कि गोए एडिसन में एक्सो एस मैंने आपको बोला है अभी ये इनका खुद का यू है जैसे कि आपको बाकी स्मार्टफोन से मिलते हैं जैसे कि एम आई क्योंकि जो कि अभी हाई हो चुका है तो इस तरह से आपको यू मिलेगा इसके अंदर जिसका नाम है एक्स 13 एस अब बात करते हैं इसके कैमराज के बारे में रियर में आपको मेन कैमरा मिलेगा 30 मेगापिक्सल का दूसरा एक कोई एआई सेंसर इसके अंदर आपको दिया गया है और साथ में क्वाड एलईडी फ्लैश लिखी गई है अब क्वाड एल ई डी फ्लैश का मतलब यह है कि चार लेडी फ्लैश होंगी मतलब चार हो सकता है लेडी बलगो छोटे छोटे जो भी है एल ई डी फ्लैश मिलेगा और फ्रंट में आपको कैमरा मिलता है एट मेगा पिक्सल का जो कि इस प्राइस रेंज में बेस्ट है नहीं तो बाकी कंपनी पाँच मेगा पिक्सल के ही दे रही है बैटरी बताई जा रही है पाँच हजार एमएच की है और सबसे तकड़ी बात आप बताने वाला वालों साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यार साइड माउंटेड मतलब कंपनी देंगी नहीं यार छः हज़ार से कम में कहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर आ रहा है यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा रहा है और तो और इसमें आपको फेस अनलॉक भी दिया जा रहा है जो एक्सपेक्टेड है स्पेसिफिकेशन उसमें तो यही लिखा गया है और इससे भी तगड़ी बात बता दूं यूएस टाइप सी दी जा रही है जो कि शायद कोई कंपनी ना दे माइक्रो यू दे दे लेकिन यहाँ आप पे आपको यूएस टाइप सी भी दी जा रही है और साथ में चार कलर ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो दोस्तों ये तो थी इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन जो मेजर स्पेसिफिकेशन है वो मैंने आपको बता दी अब यहाँ पर काफी लोग मुझे कमेंट करते हैं जब मैं किसी चीज की तारीफ करता हूँ जो चीज़ अच्छी होती है मैं तारीफ कर देता हूँ उसकी ठीक है तो काफी लोग कमेंट करते हैं कि भाई ये मतलब पैसे लिए हैं या फ्री में कर रहा है ऐसा कुछ तो भाई ऐसा कुछ नहीं है जो चीज़ अच्छी उसको अच्छा बोला जाता है जो मुझे पर्सनली लगता है जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ सही है तो वो सही है हो सकता है आपको कुछ अलग हो मैंने एक वीडियो बनाई थी जियो एयर फाइबर पे मेरे यहाँ अच्छी स्पीड आ रही है मेरे यहाँ लगा हुआ है मुझे मतलब स्पीड जितनी मेरी आनी चाहिए उससे तो ज्यादा स्पीड मुझे मिल रही है ठीक है ना तो मैं मतलब मेरा तो मजे में चल रहा कोई लो लेटेंसी कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है मुझे किसी भी चीज़ में अब मुझे किसी भाई ने कमेंट किया कि भाई हमारे यहाँ तो बहुत बेकार सर्विस है तुमने पैसे लिए हैं इसके तो पैसे लिए नहीं लिए मेरे भाई क्योंकि हर कंपनी के साथ में हर एक बंदे का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो सकता तो हो सकता आपके साथ अच्छा ना हो लेकिन मेरे साथ तो अच्छा है वो मैं आपको बता रहा हूँ और ऐसी स्मार्टफोन का बता रहा हूँ कि ये जो स्मार्टफोन है इसमें जो स्पेसिफेशन बताई गई हैं अगर यही आती हैं तो उस लिहाज से इस प्राइस रेंज में ये स्पेसिशन बहुत अच्छी है दोस्तों छोड़िए हम बात कर रहे हैं स्मार्ट फोन की जी एर फाइवर को साइड में कर दीजिए उसकी बात अब रहने दीजिए तो ये मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बता दी है इनफिनिक्स के स्मार्ट एट एच की अब चलिए थोड़ा कम्पेरिजन करें रेडमी एट टू जो कि पचपन सौ का भी आ रहा है तो उसका हम बात करते हैं सबसे पहले उसमें जो रिफ्रेश रेट आपको मिलता है सिक्सटी हट्स का यहाँ पे आपको नाइनटी हट्स दिया जा रहा है तो यहाँ पे प्लस पॉइंट इनफिनिक्स के साथ में है क्योंकि काफी अच्छी बात है वहां पर रेम दो जी है यहाँ पे आपको तीन जी दी जा रही है तो ये भी काफी अच्छी बात है हालांकि उसमें दो जी वर्चुअल बढ़ा सकते हैं लेकिन फिर भी जो मेन रैम है उसके बारे में बात करते हैं तीन जी बी आपको बताए

जो मिलता है वो मिलता मीडिया का हेलियो जी थर्टी सिक्स प्रोसेसर अब अगर दोनों की बात करूं ना भाई तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है आई थिंक अगर एंटी स्कोर की बात करूं तो जो आ, रेडमी वाला है यानी कि जी थर्टी सिक्स है उसका एंतु स्कोर आई थिंक पंद्रह लाख के आसपास है लेकिन हम बात करें अगर इनफिनिक्स की यानी कि यूनिसक टी सिक्स जीरो सिक्स की इसका एंतुत् स्कोर है तेईस लाख से प्लस तो इसका मतलब कुल मिला के ये जो है प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है मतलब उसके मुकाबले तो देखिए अच्छा इतना अच्छा तो नहीं है लेकिन उसके मुकाबले तो काफी बेटर है अगर उसमें आपका कोई कार वाला नॉर्मल गेम भी हैंग कर रहा तो इसमें आसानी से चल जाएगा इतनी बात है बस तो उस लिहाज से बेटर है और एक और मजेदार बात आपको बता देता हूँ कि उसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता लेकिन इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है मेरे भाई तो जब भी स्मार्टफोन लॉन्च होगा यानी कि आठ तारीख को ही होने वाला है और अगर ये स्पेसिफिकेशन इसके अंदर आती है तो बेस्ट मेरे हिसाब से अगर आप लें तो पहले कंपेरिजन कर लेना भाई इसका और उसका मैंने मैंने करके दे दिया पर फिर भी आप एक बार कर लेना लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये स्पेसिफिकेशन आती हैं और हजार के अंडर ये स्मार्टफोन लॉन्च होता है इंडिया में तो रेडमी ए की बजाय मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये वाला स्मार्टफोन क्योंकि इसके अंदर काफी ये ज्यादा है रेडी ए से तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही हालांकि मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको लीक्स बताने वाला था इनफिनिक स्मार्ट एट एच के लेकिन यहाँ पे तो कंपेरिजन भी हो गया रेडमी ए के साथ में कोई बात नहीं आपको कुछ चीजें ज्यादा ही मिली है बोनस में मिली है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बैन कर दो ना, आप लोगों से ऐसी किसी एक नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।